जनपद में मंगलवार को हरताल का तीज के दृष्टिगत व्रत रहने वाली महिलाओं ने महानगर में दुकानों से पूजा के सामान की खरीदारी की। इसके साथ ही महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। आपको बता दें कि महिलाएं हरताल का तीज पर भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप व तपस्या व व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं हरे रंग का कपड़ा पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, जिसके संबंध में पूजा का सामान खरीदने वाली महिलाओं ने बताया कि तीज का त्योहार पतियों के लिए होता है। तीज के दिन पति के लंबी आयु के लिए व्रत रहते हैं। यह व्रत भगवान शिव के लिए पार्वती जी ने की थी, उसी के उपलक्ष में यह तीज का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि तीज में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तथा श्रृंगार का सामान, फल सहित सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं सस्ती सवरती हैं। इस पर्व में महिलाएं 24 घंटे का व्रत रहती हैं, जिससे उनके पति की उम्र लंबी हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रत का सामान खरीदने वाली महिला किरण सिंह व मनीषा दीक्षित ने कहा, हस्बैंड के लिए व्रत रहते हैं हम लोग। तीज एक सुहाग का वो होता है, व्रत है, और ये व्रत पार्वती जी शंकर जी के लिए की थी, वही जो है कि सारी औरतें करने लगी। क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, सारी सुहाग की सामान चढ़ाए जाते, बिछुआ, पायल, सब कुछ। हाँ, मेहंदी शुभ होती है, मेहंदी लगाते हैं हम लोग, सजते संवरते हैं। मनीषा दीक्षित। तीज हम लोग अपने पति के लिए रहते हैं और निर्जला व्रत है हम लोग का, और 24 घंटे व्रत रहने के बाद हम लोग इसका पारण करते हैं, और पति को इसमें आज के दिन हम लोग भगवान मानते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी कि भाई पति है तो तभी हम लोग के लिए सब कुछ है, पति भगवान ही। हाँ, क्या क्या चढ़ाया जाता है इसमें? फल फूल, मीठा, गुजिया, और जितना पकवान हो सके, जो सक्षम है, जैसा सक्षम है उस हिसाब से।